बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पेपर हैकर में। मैं सूरतराज, आज की वीडियो देखने वाले हैं जो भी छात्र बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में है, बिजनेस इकोनॉमिक्स मतलब व्यावसायिक अर्थशास्त्र का ये पेपर है। आप देख रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो पेपर है ये आपके सामने है, आप देख रहे हैं। और आपको 2022 में जो पेपर होने वाला है, आप चाहते हैं कि आप 85% प्लस लाएं, मतलब कि परसेंटेज टॉपर में आनी चाहिए कि आप 2022 के टॉपर बनना चाहते हैं, तो आपको अभी चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, पेपर है और दोस्तों को शेयर कर देना होगा अभी। और मैं आपको जो जो क्वेश्चन बता रहा हूं बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर कि भाई 2022 में यही पढ़ के चले जाओ, काम हो जाएगा, आपको फेल करने वाला कोई नहीं है। तो याद रखना आपको यही पढ़ना है, कुछ और नहीं पढ़ना है, समझ रहे ना। तो आपके कुछ छात्र के कुछ यूनिवर्सिटी में ऐसा भी हो रहा है कि एमसीक्यू क्वेश्चन बन रहे हैं, मतलब कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन आ रहा है, कुछ 40 से 50 क्वेश्चन, जैसे कि आगरा यूनिवर्सिटी में कुछ टोटल पूछे जा रहे हैं एमसीक्यू, और कुछ यूनिवर्सिटी में कैसे पूछे जा रहे हैं वो कह सकते हैं 40 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 4 क्वेश्चन लिखित पूछे जा रहे हैं, तो दोनों प्रकार का पेपर बन रहा है। तो मैं दोनों प्रकार के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, वो भी एक नोट्स में, हमने एक नोट्स प्रोवाइड कराया है जिसका लिंक हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वेबसाइट का हमारी एक वेबसाइट है, उस पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है paperhacker.in, गूगल पर आप सर्च करेंगे या फिर मैंने लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पर टच करना, होम पेज पे जाना है और आपको वहां नीचे जाकर बीकॉम सेकंड सेमेस्टर एक बटन होगा छोटा सा ग्रीन कलर का साइड, उस पर टच करना है और उसमें आप ऊपर नीचे करके अपने नोट्स को डाउनलोड कर लेना है, समझ रहे ना। अब देखिए जो जो क्वेश्चन मैं आपको टिक लगा रहा हूं वही पढ़ना है, बाकी कुछ और नहीं देखना है। अब यहां आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने नोट्स बुक गैस पेपर वगैरह मार्केट से ले आए हो तो उसको ओपन कर लीजिए, नहीं लाए हो तो हमारे नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए। आपको यह नहीं करना है कि बेटा सिलेबस सबका एक है, सेम है, पूरी यूपी का सिलेबस एक है, जो नया जो शिक्षा नीति आई है 2020 वाली बिल्कुल सेम है, कोई इशू नहीं है उसमें, कोई सिलेबस चेंज नहीं है किसी यूनिवर्सिटी का। अब यहां देखिए यहां बोला गया है जो व्यावसायिक अर्थशास्त्र है जिसे हम बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलते हैं, उसकी विशेषता, पहले तो उसकी परिभाषा आपको पता करनी चाहिए कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र का परिभाषा क्या है, उसकी विशेषताओं के बारे में प्रवृत्ति पर प्रकाश डालिए और उसके क्षेत्र के बारे में, वो किसके क्षेत्र में बेस्ड है, समझ रहे ना। तो उसके बाद में नीचे जाना है और नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाना है, जो आप देख रहे हैं ना कौटिल्य के आर्थिक विचारों का आपको वर्णन करना है, आर्थिक विचार क्या थे और अर्थशास्त्र की परिभाषा को लिखिए, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की परिभाषा क्या है, समझ रहे ना। चलो उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, ध्यान से देखिएगा तो क्या होता है, यहां ध्यान से देखिएगा, उसके बाद में कौटिल्य के विचारों के बारे में देखना है और इकोनॉमिक्स की परिभाषा को देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गांधीवादी अर्थशास्त्र पर अपनी टिप्पणी लिखिए, कि गांधीवादी जो अर्थशास्त्र था इकोनॉमिक्स था उसके बारे में, और मांग का अर्थ क्या होता है, मांग कहते किसे हैं, समझ रहे ना, उसकी परिभाषा को देख लेना है। यह है हॉस नियम एवं मांग लोच का नियम, मोस्ट इंपोर्टेंट है हॉस नियम और मांग लोच का नियम, मांग का नियम भी बोल सकते हैं। कीमत तंत्र किसे कहते हैं, कीमत तंत्र या फिर यंत्र की अर्थ क्या होता है, समझ रहे हैं, इनकी परिभाषा आपको देखनी पड़ेगी। नोट्स पर टिक लगाइए पहले, तो सबसे पहले नोट्स पर टिक लगाइए, सच में आपको इससे बाहर कुछ और नहीं पढ़ना है, जो क्वेश्चन दे रहा हूं वही पढ़ना है और 85++ टॉपर लाना है, मतलब कि आपको 2022 का टॉपर बनना है, समझ लेना। उसके बाद में क्या है, यहां है सूक्ष्म एवं कह सकते हैं व्यापक अर्थशास्त्र को परिभाषा कीजिए, परिभाषित का मतलब है परिभाषा ही देना होता है, मतलब कि आपको इसके बारे में क्या है, कहते किसे है, परिभाषा का मतलब होता है अर्थ वगैरह विशेषता, कुछ भी पूछ सकता है कि इसे क्या समझते हैं, तो भी आपको परिभाषा ही देना होता है, उसकी विशेषता आपको बतानी है कि जो कह सकते हैं व्यापक अर्थशास्त्र होता है या सूक्ष्म अर्थशास्त्र होता है उसकी परिभाषा बताइए। यहां विभिन्न लागत अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए, जैसे कि बहुत सारी लागत होती है, कौन कौन सी लागत होंगी, नंबर एक वास्तविक लागत, अवसर लागत, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष लागत और डूबी लागत, ये चार प्रकार की लागतें हैं, मैंने आपको यहां मेंशन किया है, इन चार प्रकार को पढ़ लेना क्या होती है, एक बार इनको पढ़ेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि आप यदि कॉमर्स आपने पहले ले रखी है ना इंटर हाई स्कूल में, तो ये सब कुछ आपको याद होगा। ठीक है ना, उसके बाद में है उत्पादन कह सकते हैं प्रकार, उत्पादन प्रकार क्या होता है या फिर फलन किसे कहते हैं, फंक्शन भी कह सकते हैं इसको, फंक्शन बोल सकते हैं कि जो उत्पाद के फलन क्या है, द प्रोडक्शन कह सकते हैं फंक्शन के बारे में। और यहां कह रहा है प्रतिफल का नियम, प्रतिफल का नियम क्या होता है, प्रतिफल के नियम को आपको पढ़ लेना है।
और उसके बाद में यहां कह रहा है पैमाने के प्रतिफल में अंतर क्या होता है, मतलब कि प्रतिफल का नियम और पैमाने, जो पैमाने का प्रतिफल होता है उसमें अंतर क्या होता है। यहां है उत्पत्ति के नियम के बारे में, मोस्ट इंपोर्टेंट है, लागू होने का कारण क्या होता है, उत्पत्ति का जो नियम है वो कब लागू होता है, समझ रहे हैं। और उत्पत्ति हौस नियम को पढ़ लेना, ये इसके ही अंतर्गत आता है, उत्पत्ति नियम या फिर उत्पत्ति हौस नियम, बात वही है बेटा, दोनों पढ़ के जाना है अच्छे से। चलो उसके बाद में है बाजार, बाजार का अर्थ क्या होता है, सभी लोग जानते हैं बाजार के तत्व कौन कौन से हो, क्लासिफिकेशन यदि हम बाजार को करेंगे, मार्केट को करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, ये सब जानते होंगे। यहां बोला गया है पूर्ण प्रतियोगिता का क्या अर्थ होता है और अपूर्ण प्रतियोगिता किसे कहते हैं, पूर्ण और अपूर्ण दोनों प्रतियोगिताओं के बारे में आपको याद कर लेना है परिभाषा। यहां बोला गया है एकाधिकारात्मक जो प्रतियोगिता होती है उसके बारे में आपको याद कर लेना है। यहां बोला गया है नकद मजदूरी, जो नकद और वास्तविक मजदूरी होती है, मतलब नकद का मतलब होता है नकद पैसे देना, वो वाली और वास्तविक मजदूरी में आपको अंतर बता देना है, ठीक है। अब मजदूरी, अब कह रहा है मजदूरी का भुगतान करने की विभिन्न ढंगों का विवेचना करिए कि भैया मजदूरी को हम किस तरीके से भुगतान कर सकते हैं, कोई हमारे घर पे मजदूर या फिर हमारे फील्ड में मजदूरी करने आया, कोई मजदूर व्यक्ति आया, तो हम उसको किस तरीके से, किस किस ढंग से उनको क्या भुगतान कर सकते हैं, नकद दे सकते हैं, भाई ले एडवांस ले ले मेरा काम करते, समझ रहे ना, कल को दे देंगे, एक महीने बाद देंगे, ठेका दे दिया, टोटल काम करेगा उसके बाद देंगे, बहुत सारे तरीके होते हैं, वो तरीके पढ़ लेना। यहाँ कह रहा है मजदूरी के मांग और पूर्ति सिद्धांत को समझाकर लिखिए, आपको पूर्ति सिद्धांत को समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है यहाँ है लागन की कह सकते हैं जो लगान होता है, लगान कह सकते हैं, लगान की परिभाषा, जो हम लगान देते हैं उसकी परिभाषा, कुल लगान, ठेका लगान, ठीक है, और आर्थिक लगान जो होता है उनके बारे में, रिकॉर्डों के लगान सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या करनी है, जो रिकॉर्डों का जो के लगान सिद्धांत था उसके बारे में आपको देख लेना है। आधुनिक लगान सिद्धांत की स्पष्ट समझाइए, मतलब कि आधुनिक जो लगान सिद्धांत होता है उसके बारे में आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट वो ब्याज की परिभाषा को देख लेना है, मतलब ब्याज की परिभाषा आपको याद कर लेनी है, किसकी बेटा, ब्याज की परिभाषा को देख लेनी है, कितने प्रकार का ब्याज लगता है, ये है किन्स के ब्याज सिद्धांत के बारे में प्रमुख बातें बतानी है, उनके लाभ का अर्थ बताना है, जो किन्स ने एक ब्याज संबंधित एक सिद्धांत दिया था उसके बारे में, लाभ का लगान सिद्धांत शीर्षक पर लघु टिप्पणी बतानी, मतलब कि लघु टिप्पणी आपको देनी होगी, मतलब लघु का मतलब होता है शॉर्ट टिप्पणी देनी होगी, कि जो लाभ का लगान सिद्धांत होता है उसके शीर्षक पर लघु टिप्पणी दीजिए, मतलब कि शॉर्ट में टिप्पणी दे दीजिए, ज्यादा बढ़त देने की जरूरत नहीं है भाई, संक्षेप में वर्णन करना है। यहां कह रहा है मांग अनुसूची अथवा जो कह सकते हैं इसको, देखो मांग अनुसूची भी बोल सकते हैं या फिर इसको तालिका से आप क्या समझते हैं, तालिका भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। यहां कह रहा है सीमांत उत्पादकता क्या होती है, उत्पादन फलन क्या होता है, बहा बचते क्या होती हैं, बहा बचत जानते हो, हमने पैसा बचा लिया वो चीज बचत कहलाती है, और यह है सीमांत उत्पादकता, मैं ऊपर बता चुका हूं, यह है महिमा, यहां महिला होना चाहिए था, ला होगा बेटा, ठीक है, यहां संभाल लेना, महिला श्रमिकों के मजदूरी कम होने का कारण बताना है, कि महिलाएं जो होती हैं, फीमेल जो होती हैं, उनका मजदूरी क्यों कम होती है मेलों से, उनको 1000 में काम हो जाता है वो 2000 लेते हैं, क्यों लेते हैं, ये आपको बताना है, और लाभ का अनिश्चितता वहन करने का सिद्धांत आपको बताना है, कि लाभ का अनिश्चितता वहन करने का सिद्धांत क्या है। आप इन क्वेश्चनों को पढ़ के जाते हो तो सच्ची बता रहा, ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आप खुद जानते हैं, आप खुद समझदार हैं, और मैं लगता है कि आप ये क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे और आप 2022 के टॉपर कहलाएंगे। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, और हाँ यार वीडियो को शेयर कर दो।